टीम इंडिया ने जीता साल का पहला टी20, श्रीलंका को 2 रन से दी है मात। टीम इंडिया ने साल 2023 का पहला मुकाबला जीत लिया है, उसने एशियन चैंपियन श्रीलंका को 2 रन से हरा दिया है। वे टीम ने 5 साल बाद साल का पहला मुकाबला जीता है। इससे पहले उसने 2017 में इंग्लैंड को 3 विकेट से हराया था। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 3 T20 मैचों की सीरीज पर 1-0 से बढ़त बना ली है। वे सीरीज का दूसरा मुकाबला जो है वो 5 तारीख को पुणे में खेला जाएगा। वही मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने यहां पर 162 रन का स्कोर खड़ा किया। उसके बाद मेहमान टीम को 160 रन पर ही ऑल आउट कर दिया। वही 160 पे ऑल आउट कर दिया। वही श्रीलंका की ओर से यहां पर कप्तान डासुन सनकार ने सबसे ज्यादा 45 रन का योगदान दिया, जबकि ओपनर कुशल मैंडिस ने 28 रन जोड़े। शेष बल्लेबाजों का खास प्रदर्शन देखने को यहाँ पर नहीं मिला, यानी शेष बल्लेबाज थे उनका जो खास प्रदर्शन श्रीलंका की ओर से भी देखने को नहीं मिला। इसके अलावा पिथुम नेशन का 1 रन पर आउट हुए। कुशल मैडिस 28 और धनंजय डिसलवा ने 8 रन बनाए और असलंका ने 12 और इसके अलावा भारत के राजपक्षे जो है वो 10 रन बनाकर आउट हुए। वसंत हसरंगा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 21 रन की पारी यहां पर खेली और करुणा रत्ने ने भी 23 रन यहां पर बनाए। भाई भारत की बॉलिंग की बात करें तो भारत की बॉलिंग में यहां पर हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर में 12 रन देकर विकेट उनको नहीं मिला, लेकिन अच्छी बॉलिंग उन्होंने की। भाई शिवम मावी ने 4 ओवर में 22 रन देकर 4 विकेट चटके। वही उमरान मलिक ने 4 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट चटके। इसके अलावा हर्षल पटेल ने 4 ओवर में 41 रन देकर 2 विकेट चटके। वही भारत की बल्लेबाजी की बात करें तो भारत की तरफ से ईशान किशन ने शानदार 37 रन की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 3 चौके और 2 छक्के लगाए। वही सुमन गिल डेब्यू करे, सुमन गिल जो है 7 रन उन्होंने यहाँ पर बनाए थे, उन्होंने 1 चौका जरूर लगाया था। वही इस मैच में सूर्य कुमार, संजू सैमसन और यहाँ पर हार्दिक पांड्या जो है 29 रन उन्होंने बनाए। संजू सैमसन ने 5 रन बनाए और सूर्य कुमार यादव 7 रन पर आउट हुए। इसके अलावा दीपक हुडा ने 41 रन की शानदार पारी खेली और अक्षर पटेल भी नाबाद जो है वो 31 पे रहे। वही श्रीलंका की ओर से बॉलिंग की बात करें तो श्रीलंका के सभी बॉलरों को यहाँ पर 1-1 विकेट मिला। दिलशान मधुशंका को 1 और तिक्सना को 1 और कुणा रत्ने को 1 और डी सिल्वा को 1 और हसरंगा को भी 1 विकेट मिला।